आप रहा सब अस्सलाम वालेकुम, मैं सूरज टीवी से आपका होस्ट मियां फयाज अहमद। हम आज आपके बारे में बात करेंगे। आपने दुनिया का तेज तरीन बॉल वाटसन को किया, जिसकी गूंज सालों तक गूंजती रहेगी और हिस्ट्री को अल्लाह ताला भी चेंज नहीं करते। आज आपने पिशावर जुल्मी की तरफ से एक इंतहाई बेहतरीन कदम उठाया कि आप उन लड़कों को आगे लेके आ रहे हैं जो किसी भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह नहीं खेले, और ये बिल्कुल रो टैलेंट है, और उस पर 8 टीमें बना रहे हैं और उनके स्कॉलरशिप भी लगा रहे हैं। तो ये ख्याल आपको कैसे आया? देखिए जी, ये तो जुल्मी जो है उनको क्रेडिट देना पड़ेगा, जुल्मी की टीम को, जावेद अफरीदी और मोहम्मद अकरम वगैरह को, कि जिनका ये इनिशिएटिव है कि जो लड़के क्लब क्रिकेट या रीजन या डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट नहीं खेल पा रहे, उनमें से उन टैलेंट को फाइंड किया जाए और उसके बाद जो है उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए जिसके बाद खेल के वो अपने आप को अपनी परफॉर्मेंसेस से जो है वो सिलेक्टर्स की आई कैचिंग जो है वो आई कैच जो है वो कर सकें, ताकि उनको मौका मिले अंडर 19, अंडर 16 और इंटर डिस्ट्रिक्ट वगैरह में। अभी आपकी कतानी में पिशावर जुल्मी सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हुई है, तो ये पेंडेमिक के बाद स्टार्ट होएगा, तो आप कैसा समझते हैं दोबारा टीम कैसे चलेगी? देखिए, अच्छी चीज़ ये है कि टूर्नामेंट से पहले जो है हमारा डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट हो रहा है, और मेरा ख्याल है कि कोई भी टीम जो जीतती है उसकी सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि उसके जो लोकल प्लेयर्स होते हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो मेरा ये बिलीफ है कि जितने आपके लोकल अच्छा परफॉर्म करेंगे उतना चांसेस होता है आपका चैंपियनशिप जीतने का। सो क्योंकि अभी T20 टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें हर लड़का जब वो खेल रहा होगा अपने टीम से, अपने स्टेट से, तो मेरा ख्याल है कि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा हम लोगों को। और एक पॉजिटिव क्वेश्चन है कि 2 महीने से आप इंग्लैंड में थे, पाकिस्तान टीम के साथ थे, और आपने आखिरी मैच में पाकिस्तान को बॉलिंग करके मैच जिताया, वो कैसा फील हुआ आपको? जी बस अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने अपना करम किया। और ये जो आप बेहतरीन काविशें कर रहे हैं, इतने शहरों में जा रहे हैं, आप इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और हम आपको गुड लक करते हैं, और हम चाहेंगे आप सूरज टीवी के लिए भी कुछ अल्फाज कहें। जी, आप लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट, और हम सबको दुआओं में याद रखें। ओके, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू।